सरदोसी कोतवाली में आयोजित थाना समाधान दिवस में पहुंचे जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने सुनी जनता की फरियादें और उनके निराकरण के लिए संबंधित विभाग के अधिकारी को निर्देशित भी किया गया। आपको बता दें कि आज जनपद संभल की चंदोसी कोतवाली परिसर में आयोजित होने वाले थाना समाधान दिवस में जिलाधिकारी संभल मनीष बंसल एवं पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा पहुंचे और वहां पहुंचकर जनता की फरियादें सुनी। समाधान दिवस में पहुंचे जिलाधिकारी ने थाना समाधान दिवस में पुलिस विभाग के अधिकारी एवं तहसील के कर्मचारी व नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी राजकुमार उपस्थित रहे। इस दौरान वहां पर जनता की समस्याओं को सुना गया और उनके निराकरण के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया। साथ ही मीडिया से वार्ता करते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि जल निगम के द्वारा पाइपलाइन डालने के लिए खोदी गई सड़कों को 10 दिन के अंदर सही करने के अधिशासी अधिकारी राजकुमार को निर्देश दिए गए। साथ ही शहर के अंदर की गलियों को भी अगले 20 दिनों में सही करने की बात कही गई। इसमें आप आए यहाँ लोगों की फरियादें सुनी, क्या कहेंगे सर? देखिए, चंदौसी में आज यहाँ पर संभल जनपद में सभी थानों पर थाना समाधान दिवस का आयोजन किया जा रहा है और तहसील से और पुलिस विभाग से अधिकारी और लेखपाल और कॉन्स्टेबल्स यहाँ पर उपस्थित हैं। जो भी फरियादी आ रहे हैं उसके संबंध में त्वरित कार्रवाई के लिए टीमें बनाकर गाँव में भेजा जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर चंदौसी नगर पालिका क्षेत्र में आज यहाँ पर कई प्रकार की शिकायतें आई, जैसे कि अतिक्रमण को लेकर और दूसरा सड़कों की खराब स्थिति को लेकर। इसके संबंध में जल निगम को बहुत ही सख्ती से आज निर्देशित किया गया है कि जितनी भी खराब सड़कें हैं जहां पर पानी की पाइपलाइन का काम उनके द्वारा किया गया है उनको आने वाले 10 दिन में प्राथमिकता पर मुख्य मार्गों को और उसके बाद 20 दिन में अगले 20 दिन में अंदरूनी गलियों को प्राथमिकता पर ठीक करवा लिया जाए। जहां अतिक्रमण है ऐसे सभी स्थलों को चिन्हित करके नगर पालिका जो है उस पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाएगी। सर, जैसे त्यौहार आने वाले हैं उस पर क्या संदेश देंगे जनता को? त्योहारों के संबंध में यही संदेश है कि त्योहारों को बिल्कुल अमन और शांति के साथ मनाया जाए, एक भाईचारे की भावना के साथ मनाया जाए। किसी भी प्रकार की कोई नई परंपरा डालने का अनुमति नहीं दी जाएगी। जो पारंपरिक गतिविधियां होती हैं उन्हीं गतिविधियों को किया जाएगा और किसी भी प्रकार की कोई ऐसी गतिविधि ना की जाए जिससे कि आम जनमानस को असुविधा हो, किसी भी नुक्कड़ चौराहे पर किसी प्रकार का कोई ऐसा जुलूस ना हो जिससे कि आम जनता का आवागमन प्रभावित हो। यही सब निर्देश दिए गए हैं। थानों पे, सभी थानों पे पीस कमेटी की बैठकें भी पुलिस द्वारा और SDM द्वारा संयुक्त रूप से की जा रही है।